नमस्कार, आप देख रहे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। रामटेक से लोकसभा चुनाव उम्मीदवार राजू पारवे से हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने लोकसभा चुनाव पर की विस्तार से बात। तो आइए देखते हैं, हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज से बात करते हुए राजू पारवे ने क्या कुछ जानकारियां दी। पार्टी ने यावेळेस माझ्यावरती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्राची जी जबाबदारी दिली त्याबद्दल सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचे मनापासून धन्यवाद मानतो। सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचे धन्यवाद मानतो। मला जी जबाबदारी दिली त्या पद्धतीनं मी पहिल्या दिवसापासून काम करायला सुरुवात केलं आहे। सहाही विधानसभेमध्ये जाऊन माझा एक राऊंड कम्प्लीट झालेला आहे। त्या प्रत्येक बहुतांशी गाव असेल, शहर असेल, तिथे लोकांच्या भेटीगाठी घेणं सुरू आहे आणि लोकांमध्ये एक उत्साह आहे यावेळेस की जे काही मला दिसत आहे की वाटते की आपला माणूस यावेळेस उभा राहिला आणि त्याचं समर्थन मला सगळे पक्ष मिळून महायुतीचे सर्व घटक पक्ष यावेळेस एक दिलानं काम करत आहे। काल अभिनेता गोविंदाची आपल्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये रॅली झाली आहे, मतदारांचा काय आणि जनतेचा काय म्हणजे रिस्पॉन्स भेटला? नाही, ते आता ज्या पद्धतीनं माझ्या दोन्ही विधानसभेमध्ये सावनेर विधानसभा आणि उमरेड विधानसभेमध्ये त्यांचे जे दौरे झाले, पहिलं तर गोविंदाजी अभिनेता तर आहेच पण आता ते पक्षाचे प्रमुख झाले आहे म्हणून पक्षाचा एक प्रमुख म्हणून त्यांनी प्रचार माझा केला आणि लोकांचा एक उत्साह होता जो दोन्ही विधानसभेमध्ये दिसला। हजारोच्या संख्येने प्रत्येक गावामध्ये आणि शहरामध्ये लोक पक्षाचे पदाधिकारी सोबतच गावातील आमचे सहकारी आणि लोकांमध्ये एक उत्साह दिसत होता त्यांच्या या दौऱ्यामध्ये। तर हजारोच्या संख्येने प्रत्येक जिथे जिथे आमच्या भेटी होते ते हजारोच्या संख्येने लोक होते तिथे। अपील यही करना चाहूँगा रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, मेरी जनता से यही अपील करूँगा कि पहले तो मतदान कीजिए। जो पहला इसके पहले जो मतदान हुआ था 2019 में, उससे ज़्यादा मतदान इस बार होने को ना। और एक आम आदमी इस बार इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में खड़ा है। जिस पद्धति से मैंने 4.5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया, जमीन पे रह के काम किया, आम लोगों के लिए काम किया, विकास के लिए काम किया, उसी पद्धति से रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की हर जनता से अपील करता हूँ कि इस बार राजू पारवे तुम्हारा है, तुम्हारा बन के रहेगा। इस बार महायुति को और सन्माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में जिस पद्धति से देश आगे जा रहा है उसके लिए आप सबको मतदान करना है, यही विनती करता हूँ। जनता आने वाले समय पर आपको विश्वास रखती है और आप चुनके आ जाते हैं, तो ऐसे कुछ उनसे ऐसे मुख्य कार्य हैं जो आपको अधूरे पड़े हैं उनको आप पूरा करो। जितने भी केंद्र सरकार की जो योजना है, हमारा रामटेक हो, हमारी हिंगना हो, हमारा काटोल हो, जहाँ जहाँ की जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की जैसी जैसी समस्या है, जो केंद्र से संबंधित है, जो राज्य से संबंधित है, उसको पूरा करूँगा क्योंकि मैं काम करने वाला इंसान हूँ, विकास पे काम करने वाला आदमी हूँ। तो मैं आश्वस्त हूँ जैसे भी मुझे संधि मिलती है ये सारी चीज़ें हर क्षेत्र की समस्या सुलझाने का काम करूँगा।